झारखंड सरकार और टाटा के रिश्तों की तलखी अब सामने आने लगी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील पर भगवान बिरसा मुंडा का अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर दो फूल नहीं चढ़ाने वाले टाटा स्टील ने पाप किया है। बन्ना गुप्ता टाटा महाराज की प्रतिमा के नीचे मुंह पर पट्टी बांध कर घंटों बैठे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए टाटा स्टील की सुदबुद्धि की कामना की। गौरतलब है कि टाटा स्टील और मंत्री का मतभेद तब सामने आया जब दो दिन पहले बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि टाटा स्टील मनमानी कर रही है। इसके साथ ही टाटा कॉमन्स के ऑफिस को पूना शिफ्ट करने का बन्ना गुप्ता ने कड़ा विरोध किया था। कल जेएमएम के विधायकों के द्वारा भी टाटा कॉमन्स गेट का घेराव होना है। इससे जाहिर है कि कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के साथ भी टाटा की अनबन चल रही है और भगवान बिरसा जी की जयंती और पीछे करना टाटा स्टील प्रबंधन के द्वारा उनके बाग में दो फूल नहीं थे, उनके अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो जो है उनके श्री चरण पे दो पुष्प चढ़ाते। SNTI का 100 साल हुआ, टाटा स्टील के MD साहब आए और केक काटने बॉम्बे से आ गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं टाटा स्टील अपने जमशेद जी नौशेरवान जी के आदर्श को भूल गई है और उन्होंने जो एक आदर्श स्थापित किया था, उन्होंने फैक्ट्री जमशेदपुर में नहीं लगाई थी, कारखाना नहीं लगाया था, उन्होंने एक आदर्श सिद्धांत और विचार जन्म दिया था। उन्होंने यहाँ विश्व स्तरीय नागरिकों को सुविधा बहाल करने का सपना सोचा था। उन्होंने यहाँ के आदिवासी मूलवासी के सम्मान और उनकी संस्कृति को अपनाया था। भगवान बिरसा को उनकी श्रद्धांजलि होती थी, लेकिन आज उनके वंशज केवल अर्थोपार्जन का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां धीरे धीरे औद्योगिक घराने के विरुद्ध जनता का जो है जनभावना हो रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।